जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला जी के हत्यारों को लेकर, जो कि यूके में बैठा हुआ है इस वक्त और अपना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। खासतौर पे इस वक्त की लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सिद्धू के फादर साहब ने क्या कहा है, क्या ऑफर लेकर वो पहुंचे हैं, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें फैंस ने 3 क्विंटल का 43,000 का जो ये हार है वो अपने सिद्धू मूसेवाला जी के लिए, अपने देवता स्वरूप, देवता मानने वाले, भगवान मानने वाले अपने सिद्धू के फादर साहब को सबसे पहले पहनाया और उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाला जी की समाधि पर जाकर इस 3 क्विंटल के 43,000 में बनवाए गए हार को चढ़ाया और उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सिद्धू मूसेवाला जी के ना रहते हुए भी आए दिन सिद्धू मूसेवाला जी के लिए फैंस कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए सभी हक्के बक्के रह गए हैं। यहाँ तक कि जब ये बात लॉरेंस बिश्नोई को पता चला कि फैंस अभी भी सिद्धू से इतना प्यार करते हैं, बल्कि उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कान से खून निकलने शुरू हो गए, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल जो है वो पहुंच गया और अभी वो हॉस्पिटल में जो है कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी करेगा। जी हाँ, बीमारी का एक बार फिर से उसने बहाना बनाया है और हॉस्पिटल में जो है रेस्ट करने के लिए उसे भेजा गया है और बताया जा रहा है कि उसके पेट खराब की शिकायत है शायद, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल भेजा गया। बार बार हॉस्पिटल का बहाना बनाकर वो बचने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सिद्धू के पिता ने कहा है कि मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे कितना वक्त क्यों ना लग जाए, मैं अपने बेटे को जस्टिस दिलवा कर रहूंगा। आगे हम आपको बताएंगे क्या उन्होंने शर्त रखी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो अहम खबर सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कनाडा और यूके में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे गैंगस्टर गोल्डी बरार के करीबियों को पकड़ने के लिए गुरुवार यानी कि आज पंजाब पुलिस एक्शन में दिखी। पंजाब भर में सुबह 7 बजे से ही सीक्रेट ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। पंजाब में तकरीबन 1000 ठिकानों पर आज पुलिस ने रेड की। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि ऑपरेशन जो चल रहा था सीक्रेट ऑपरेशन वो खत्म हो चुका है और रिपोर्ट्स को कंपाइल किया जा रहा है। जानकारी देते हुए पुलिस ने ये भी कहा कि आज पंजाब में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार के सहयोगियों से जुड़े 1000 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए। इस ऑपरेशन में 5000 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। हम राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम किसी को भी पंजाब में शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते। आगे पुलिस का ये भी कहना है कि सभी जिलों से रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है, जल्द ही रिपोर्ट्स को कंपाइल करके लोगों को आज की सफलता के बारे में बताया भी जाएगा। वहीं आपको बता दें गोल्डी बरार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास है, जो कि आप जानते ही हैं लॉरेंस के कहने पर ही उसी ने पंजाबी गायक देवता स्वरूप गरीबों के मसीहा सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या कराई थी और उसने फोन करके ये जानकारी जो है साझा भी किया था लॉरेंस बिश्नोई से। हालांकि बाद में उसके कैनेडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया भागने की खबरें सामने आई और अब तक वो भागा हुआ ही है, जिसे पकड़ने के लिए लाख कोशिश की जा रही है पंजाब पुलिस के तरफ से। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आज सुबह थर्सडे से ही जो है ऑपरेशन सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पुलिस ने गोल्डी बरार और बिश्नोई गिरोह के कई सहयोगियों और उनके साथ लेन देन करने वाले अन्य लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अक्सर देखा गया है कि गोल्डी बरार और बिश्नोई के सहयोगी सलाखों के पीछे होते हुए भी नशे की तस्करी जैसे छोटे अपराधों के आरोपी युवाओं को फंसाते हैं, उन्हें बड़े अपराध करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। गिरोह के सदस्य बड़ी घटनाओं व टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पैसे का लालच देते हैं। इन सभी चीजों को जो है हम बहुत जल्द सामने लाने वाले हैं। खबर ये भी आई है दोस्तों कि जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आदमियों से फोन करवाया सिद्धू के फादर साहब को और खबर ये आई कि उनके सामने एक शर्त रखवाई कि हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, हम तेरा पीछा छोड़ देंगे, हम तुझे धमकियां देना छोड़ देंगे, हम तेरे से पैसे भी नहीं मांगेंगे, तू हमारा पीछा छोड़ दे और अपने बेटे के लिए तो तू जो भी जस्टिस मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है, वो तो भूल जा, इंसाफ नहीं मिलने वाला है और मेरा नाम लेना बंद कर दे। इस तरह की तमाम शर्त जो है सिद्धू के पिता के सामने रखवाई गई फ़ोन के द्वारा, लेकिन सिद्धू के पिता ने छाती ठोक कर कहा, सीना ठोक कर कहा उन्होंने कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें कोई भी शर्त तेरा कोई मंजूर नहीं है, चाहे तो कुछ मर्जी कर ले, हम तो तेरे को फांसी के तख्ते पर चढ़वा कर ही दम लेंगे, अपने बेटे
का इंसाफ हम लेकर रहेंगे मरते दम तक, अंतिम सांस तक, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। हम अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, अपने श्रवण पुत्र के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सभी मुद्दों पर, जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप पंजाब सरकार से और पंजाब पुलिस से जिस प्रकार से वो छानबीन कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला जी की केस में, क्या आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा। साथ ही #justiceforsiddhumoosewala जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही बॉलीवुड की दीवानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।